हर हर महादेव। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान स्वर अलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर मैं तुम पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। जो हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारत वर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में बाहर खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने उदरभिमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को बहुत चिंता हुई। वे व्याकुल हुए और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत, पूजन और वंदन किया। उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। इसलिए बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया, और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के साथ विवाह का तय होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह निश्चित होने की बात कही। ऐसा सुनते ही तुम्हें महान दुख हुआ। उस दुख से तुम बेहाल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए मैं ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढ भी ना सकेंगे। ऐसा कहकर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया। ऐसी चिंता करते हुए कहा कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया
या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल राजा तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और रोने लगे। बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री तुम मेरे पर प्रसन्न हो, तब तुम सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों और अपने परिवारजन से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस तरह सहेली द्वारा तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा और तुमने मेरा तीज का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सभी व्रतों का व्रत राज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपसे मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्नता हुई। इस व्रत के करने का क्या विधान व क्या फल है, यह भी आप मुझे सुनाएं। इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत राज का सविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करना चाहिए। यह व्रत निराहार बिना फल आहार और निर्जल रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके केले पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करना चाहिए। रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधन वार लगा कर शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्र स्तुति गान वाद्य भैरी शंख मृदंग झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए और अपनी कामना इच्छा को शिव पार्वती के समक्ष प्रेषित कर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करना चाहिए। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है।
कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होता है, वह सौभाग्य बढ़ता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वह शूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है, वह बाघिनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी के जन्म को धारण करती है। और जो सब चीजें खाती है, वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगर योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि के साथ धारण करती है, वह मुत्सापति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार के उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक वासी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय।